हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जॉइंट पेन का और रूमेटिक आर्थराइटिस का बारे में डेमो करने जा रही हूँ। और आइटम तो बहुत होता है, जगह जगह के ऊपर में अलग अलग पेड़ पौधा होते हैं। अपना लोकेशन का और अवेलेबिलिटी का ऊपर में आप लोग अपना कलेक्शन करके डिकॉक्शन बना के गाढ़ा बना के आप लोग पीना है। हम लोग का जो लोकल में अवेलेबल है, जो इजीली मिलने वाला से हम बेस करके ये डेमो करने जा रही हूँ। पर्स में ये अंगेर है, अंगेर पहले भी दिखा सुखा था, अंगेर जानता जला रेचा है। इसके बाद में ये मरसांग, मरसांग दो टाइप तीन टाइप का होता है। ये काला वाला हम लोग का पहाड़ों में होता है, नीचे में ये मिलेगा मरसांग। ये मरसांग पहले भी दिखा सुखा था, ये ले लो। इसके बाद बीटेक्स ले लिए, कोई भी बीटेक्स निर्गुंडी बोलता है, हर जगह में मिलता है अवेलेबल। कोई भी वेराइटी चलेगा, काला वेराइटी हो या सफ़ेद वेराइटी, तीन टाइप का होता है उसका बीटेक्स का। कोई भी टाइप ले लो अपने हिसाब से, एक दो मुट्ठी ले लो बॉडी का हिसाब से। इसके बाद आपका जामुन का सिल्का ले लो, ये जामुन है, जामुन तो सब जानता है, जामुन सिल्का ले लो, इतना सा ले लो सिल्का अपना बॉडी का हिसाब से अंदाज। इसके बाद अरंडी ले लो, ये अरंडी का पत्ता नहीं मिलेगा तो स्टेम या तो उसका इसका सीड से बीज से ले लो, एक आधा मुट्ठी जैसा ले लो। इसके बाद आपका ये पीपल है, पीपल का सिल्का ले लो अपने हिसाब से। और इसके बाद करी पत्ता भी आप ले लिए, करी पत्ता अपने हिसाब से। इसके बाद आग, आग तो हर जगह में है, पत्ता हो या डंडी हो हिसाब से काट के लगाना है। इसके बाद सबको कूटना पड़ेगा। इसके बाद ये आपका गिलोय, गिलोय तो सब जानता है, तिनस पड़िया कड़ी पलिया ये तो सब जानता है, हिंदुस्तान में फेमस है। ये तो अपने हिसाब से ले लेना, इसको भी अंदाजा से अपना हिसाब से। इसके बाद आपका ये अर्जुन, अर्जुन का सिल्का थोड़ा ले लेना। इसके बाद आपका ये हम लोग नूनी गुटी बोलता है, मलबेरी, मलबेरी एक दो मुट्ठी ले लेना। इसके बाद ये बांग है, मेरी जीवाना एक दो मुट्ठी ले लेना। इसके बाद आपका ऑर्किड, ऑर्किड कोई भी हो, कोई भी रहती हो, उसका डंडी हो या स्टेम हो या जड़ हो या कोई भी ऑर्किड को ले सकता है, सीजनल को जो भी ले सकता है अपने हिसाब से काट काट के टुकड़ा करके। इसके बाद वो जो बाई बिडंग है, जो हम लोग का पहाड़ों में अवेलेबल है, जहाँ तक लटकता है रास्ता किनारे में, ये आप ये ले सकता है, डंडी हो या पत्ता हो, ये रास्ता किनारे में लटकते हुए मिलेगा हम लोग का पहाड़ों में ये। इसके बाद सजना का सिल्का लेना जरूरी है। इसके बाद ल्यूकस एस्प्रा, ये घुमा को एक मुट्ठी दो मुट्ठी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम लोग कोई तरह का हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हल्दी है, उसका पत्ता है ये वाला, ये उसका पत्ता है। और ये सब हल्दी के लिए खाने वाला हल्दी है, और ये सफ़ेद हल्दी है, येलो हल्दी है खाने वाला, और ये हम लोग का लाल अदरक है, रेड जिंजर है, ये तो ये सब थोड़ा थोड़ा मिलाना है अपने हिसाब से। कोई कोई हल्दी लीफ जो ऊपर में काला होता है, नीचे में सफ़ेद, और कोई कोई लोग ऊपर में ग्रीन नीचे में वायलेट, ऐसा वाला अलग अलग किस्म का हल्दी लेना जरूरी है। और जो मिलेगा नहीं मिलेगा तो एक दो हल्दी ही ले सकता है, एक दो हल्दी ले सकता है। इसके बाद में आते हैं ये वाला, ये हम लोग पेपा बोलता है, इमली का जैसा लटकता है, पेड़ में क्लाइंबर है, इसका गुटी ये है, उसका सीट ये है, सीट का उसको कूट के अंडर में व्हाइट व्हाइट होता है, उसको पाउडर बनाना है। थोड़ा पाउडर दो चम्मच मिलाना है डिकॉक्शन में, ये है। इसके बाद ये मेकुना, ये हम लोग का रनका बोलता है, हम लोग का लोकल में रनका, ये तो जंगल में मिलता है। ये उसका सीट है, सीट को पहले बॉयल करता है, अच्छा से बॉयल करके डूब में सुखा के उसको पाउडर बनाना पड़ता है। उसको तीन चार टी स्पून मिक्स करना है डिकॉक्शन में। इसके बाद में सब बॉयल करना है, बॉयल करके डिकॉक्शन बना के उसको सुबह आधा गिलास, दिन को आधा, शाम को आधा, इसी तरह खाना खाने के थोड़ा बाद में पीना है। ये डिकॉक्शन आप एक सप्ताह तक चला सकता है, जब तक तेज है, डेली थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के, जब तेज खत्म हो गया तो आप रेसिड्यूज को फेंक सकता है, फिर नया शुरू कर सकता है। और जॉइंट पेन, कोई भी जॉइंट पेन का कॉजेस तो अलग अलग होता है, कोई लोग मिलेतापत का वजह से होता है, कोई लोग एसिडिटी का वजह से होता है, कोई लोग यूरिक एसिड का वजह से होता है,
और कोई लोग कैल्शियम डिफिशेंसी का वजह से होता है या बहुत कारण होते हैं, सब कारण को तो जानने नहीं सकता है। कोई कोई जो हम लोग कारण को स्टडी करके मालूम होता है उसका ऊपर में बेस करके हम लोग इलाज किया जाता है। तो ये सब खाने से थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा, दर्द होना मतलब दवाई काम कर रहा है, आप लोग उसको उल्टा नहीं समझना है। दर्द मतलब आपको दवाई काम करके 3-4 महीना तक दर्द करके इसके बाद कम कम होके ठीक हो जाता है। और जो लोग जॉइंट पेन है या वो लोग क्या नहीं खाना है, वो लोग मसूर दाल को छोड़ दीजिए, बनाना छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा आलू कचू वो छोड़ दीजिए। और हम तो पहले ही जंक फूड पास तो मना कर चुका है, ये सब छोड़ दीजिए। और हो सके तो बितर आइटम को आप लोग सप्ताह में 1 या 2 बार ही खाइए, जितना संगे कारतासिस खाइए, नींबू लेमन एनी साइट्रस खाइए, ताकि लोहा करने के लोहा चाहिए, एसिड करने के लिए एसिड चाहिए, ये फॉर्मूला है। और क्या खाना है, आप लोग कभी कभी काला दाल खाया करो, बाकी दाल को खाओ, और नींबू तो विटामिन सी रिच फूड खाइए, और हम लोग का हरा पत्ता सब्जी तो खाना है। और मैंने पहले वीडियो में मैंने एसिडिटी गैस्ट्राइटिस में एक तो दिया था जो टॉक्सिसिटी एसिडिटी को माइनस करने वाला, वो एस गोल्ड मतलब पानी कुमड़ा वो फॉर्मूला, पानी कुमड़ा क्यूकुम्बर मूला गाजर धनिया पुदीना नींबू ये मिक्सर को इन्फ्यूशन को आप लोग दिन में 1 गिलास या 2 गिलास करके महीना में 1 सप्ताह या 10 दिन ऐसा करना ज़रूरी है। इसका जॉइंट पेन एथराइटिस या पैरालिसिस वो तो ऑलमोस्ट एक ही है, उसका सक्सेस स्टोरी तो बहुत है, ये वीडियो में सक्सेस स्टोरी आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। हेलो, मैं वरुण मसारी हूँ, मेरा घर वो असम नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है और मेरा गांव का नाम ओगुरी है। मेरा माँ 1 साल से वो पैरालिसिस था, तो मैंने इधर पे वो पता चला कि दवाई देता है ऐसा पैरालिसिस का जमो मैडम, 3 महीना का कोर्स दिया था दवाई ये आयुर्वेदिक। तो वो खाने के बाद 15-20 दिन के बाद मतलब वो जिसे सपोर्ट देता है लाठी छोड़ दिया था, वो पैदल चलना शुरू कर दिया था, बहुत मतलब काम आया, मतलब सही मतलब हुआ, दवाई बहुत असरदार हुआ। अभी तो लाठी नहीं लेता है, अभी वो चलता है, खुद से चलता है, खुद से यहाँ से हुआ मतलब चला जाता है, वो गाँव में भी मतलब जाता है, धीरे धीरे जाता है। मेरी नाम अमित तमुख है, पासीघाट में रहती हूँ। मैडम का पेशेंट था मैं, मेरा हाथ का राइट हैंड का वो नब्ज प्रॉब्लम हुआ था, हम कांदा तो भी खाने नहीं सकता था, अपना शुगर को भी बंद नहीं सकता था, लेकिन जमो मैडम का दवाई खा के हम 1 महीना में ठीक हो गया। अभी तो हम काम भी कर सकते हैं, दाऊ भी पकड़ सकते हैं, मेडिकल में भी बहुत दवाई खाया था लेकिन नहीं हुआ है, फिजियोथेरापिस्ट में भी बहुत 1 महीना ऐसा गया है तो भी नहीं, अच्छा नहीं हुआ है। उसके बाद हम उपाय नहीं हुआ कि मैडम का जमो मैडम का घर में आके उससे दवाई मंगाए, उसी से हम ठीक हो गया 1 महीना का अंदर, अभी तो हम काम भी कर सकती हूँ। उसके बाद उससे पहले 2-3 साल का पहले भी मैडम हम अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था, तो हम पैसा नहीं है ऑपरेशन करने के लिए, तो मैडम का घर में जाके दवाई मंगाए, उसी में 1 वीक में मेरा अपेंडिक्स ठीक हो गया मैडम का दवाई खा के, हम दो बार हो गया मैडम का दवाई खाने वाला। अभी तो मैडम को क्या बोलूँ, मैडम ही मेरा भगवान है, मैडम को हम बहुत थैंक यू। अभी तो हम इसलिए मैडम को मदद करने के लिए दवाई खाने के लिए आई हूँ। उसके बाद ये मिलू भी हमको, अरे नोक का हाथ ऐसा हाथ खराब हो गया, क्या करेगा नोक को, कौन खिलाएगा हमको, ऐसा पूछ रहा था, लेकिन मैडम को थैंक यू, मैडम का दवाई खा के हम अपेंडिक्स भी ठीक हो गया, उसके बाद हाथ भी ठीक हो गया, अभी काम कर सकता है ना जी, अभी दाव भी कर सकता है। तो मैडम को मदद के आया है आज में जी मैडम, अब इसलिए मैं आज मदद करने के लिए आई हूँ। नमस्ते मैडम, मेरा नाम अदम बंसा, डिस्ट्रिक्ट लोंगडिंग, बस्ती का नाम पहुँचाओ। मेरी हाथ और घुटनों में बहुत पेन होती थी, अभी जब से मैडम आपके दिए हुए आयुर्वेदिक दवा खाने लगी तब से काफी अच्छी होने लगी, जो पेन होती थी हाथ और पैर पर, पहला तो मैं काम भी नहीं कर सकती थी, अभी तो काम भी कर सकती हूँ, साइनस और माइग्रेन का भी अभी ठीक होने लगी है। मैं फिर से आपकी दवा लूंगी और पूरी विश्वास है कि मैं पूरी तरह अच्छी हो जाऊंगी। आज का वीडियो में इतना ही है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्लड कैंसर के ऊपर में डेमो करने जा रहा हूँ। थैंक यू।